तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए ग्रीन लैंड सुपर वॉलपेपर की वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे कि इस तरह के ग्रीन लैंड सुपर वॉलपेपर को अपने किसी भी Xiaomi Redmi Poco मोबाइल में आप किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर सेकेंड सुपर वॉलपेपर जो कि ग्रीन लैंड से इंस्पायर्ड है। इसी तरह से यहाँ पर आपको थर्ड वाला सुपर वॉलपेपर भी दिखाए देते हैं। तो थर्ड वाला ये है सुपर वॉलपेपर, तो इन्हें आप अपने Redmi Poco मोबाइल में यूज कर पाएंगे। इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने थर्ड पार्टी मेथड यूज किया था, पर आज मैं आपको ऑफिशियल मेथड बताऊंगा किस तरह से यूज कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा है 100। आई होप कि आप इसे आसानी से कम्प्लीट करा देंगे। दोस्तों मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ग्रीन लैंड सुपर वॉलपेपर पर नहीं देखा था तो उसे ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि आपको कंप्लीट इसका जो पूरा लुक है वो देखने को मिल जाएगा, कैसे यूज करना है, क्या करना है, काफ़ी सारी इसमें विजिट भी मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर 3 वॉलपेपर हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया और यहाँ लॉक स्क्रीन पर आ करके ये देखिए, यहाँ पर इसका फर्स्ट वॉलपेपर ग्रीन लैंड वाला ये सबसे अमेजिंग वॉलपेपर है। इसी तरह से सेकेंड वॉलपेपर को ट्राई करना है तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी लॉक स्क्रीन है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पर आपको टेप करना है, क्या करना है। तो ये देख पा रहे होंगे ये सेकेंड वॉलपेपर हो गया। इसी तरह से अगर आपको थर्ड सुपर वॉलपेपर ट्राई करना है, इस पर टेप किया, यहाँ टेप किया और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही लॉक से आप अनलॉक करेंगे उस टाइम पर ये आपको लुक देखने को मिल जाएगा। तो ये जो तीनों ही सुपर वॉलपेपर हैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरा पिछला वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ लुक मिलता है आपको। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे आपको ये सुपर वॉलपेपर डाउनलोड करके यूज करना है। तो उसके लिए एक ऑफिशियल थीम आ चुकी है, थीम स्टोर पर ये थीम अवेलेबल है और इस थीम का नाम है ड्रॉयड एक्स और इसके डिजाइनर का नाम है जीशान खान। तो जीशान खान ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये थीम अब हमें ऑफिशियली मिल चुकी है, जो कि पहले चाइना के लिए स्पेसिफिकली मौजूद थी, अब ये आप इंडिया रीजन पर या अदर रीजन पर भी ये अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर अगर कंप्लीट लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर स्टाइल देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पर डायल पैड की बात करें तो कुछ इस तरह का डायल पैड देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक दिया गया है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट टाइप का ही देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस थीम के अंदर आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डार्क मोड ऑन करने के बाद अब आपका जो डायल पैड सेटिंग UI है वो चेंज हो जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छी थीम है। और अगर आपको वॉलपेपर होम स्क्रीन वाला पसंद नहीं आता है तो ऐसे में टेलीग्राम पर मेरा जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर काफ़ी अमेजिंग वॉलपेपर को मैं शेयर करता रहता हूँ। तो जो भी वॉलपेपर पसंद आए उसे डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के चेक कर लीजिए और जो भी वॉलपेपर आपको सेट करना हो होम स्क्रीन के लिए वो सेट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है ग्रीन लैंड सुपर वॉलपेपर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।